हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सिंपली खाना घर का। तो आज हम बनाएंगे महाराष्ट्र का एक बहुत ही मशहूर एंड फेमस नाश्ता, कांदा पोहा। तो इसको बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। यहाँ मैंने 250 ग्राम पोहा लिया है, इसे मैंने अच्छे से धोकर रख लिया है। साथ ही हम लेंगे कुछ एक पीनट्स, साथ में हम लेंगे एक बड़ा अनियन, मैंने इसे बारीक स्लाइस कर लिया है आपके टेस्ट के हिसाब से, ग्रीन चिली, कुछ करी लीव्स और आधे नींबू का जूस। राई लेंगे पकाने के लिए और एक छोटा आलू जिसे मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पैन में लिया है 3 बड़े चम्मच भर के तेल, उसमें हम डालेंगे राई। राई को थोड़ा क्रैकल होने तक, एक क्रैकलिंग आवाज़ आने तक वेट करेंगे 3 से 4 सेकेंड। उसमें ऐड करेंगे करी पत्ता। करी पत्ता ऐड करने के फौरन बाद हम ऐड करेंगे हमारे स्लाइस किए हुए अनियन, प्याज को हमें बिल्कुल नरम और एक लाइट सा गोल्डन कलर आने तक, सुनहरा कलर आने तक भूनना है। अब उसमें ऐड करेंगे हमारी सेंग, साथ ही हम ऐड करेंगे हमारे चॉप किए हुए आलू। 3 से 4 मिनट आलू थोड़े नरम होने तक पकाना है आपको। अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच के करीब हल्दी, हरी मिर्च और नमक। अच्छे से मिक्स करिए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा पोहा। अच्छे से मिक्स करके आपको पोहे को ढककर 4 से 5 मिनट तक पकाना है। अब हम देखेंगे हमारा कांदा पोहा बनकर बिल्कुल रेडी है। इसे हम धनिया पत्ते के साथ गार्निश करेंगे और ऊपर से आधे लेमन का जूस भी डाल देंगे। इसे आप चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मशहूर नाश्ता है महाराष्ट्र का और बिल्कुल झटपट से बन जाता है। देखिए बिल्कुल रेडी है। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।